हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 की। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 की बात करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं एक्सेस को ओपन कर रहा हूँ। अब ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 365 है और काफ़ी यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको इस पर काम करना है तो सबसे पहले ओपन करेंगे तो ये इस तरीके का सिनेरियो एक आएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है और यहाँ पर बिल्कुल वही चीज़ आपको देखने को मिल जाती है जो कि 2021 में भी देखने को मिलती है। यहाँ पे डेटाबेस वन आ रहा है, मैं बाई डिफॉल्ट यही नेम रहने देता हूँ। और थोड़ा सा ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको वैलिडेशन मिल जाता है और चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हुई नज़र आती हैं। यहाँ से हमें व्यू मिलता है, तो हमें कौन से व्यू पे जाना होता है, तो देखिए जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उस दौरान आपको डिज़ाइन व्यू पे जाना होता है और डिज़ाइन व्यू में टेबल का नाम देना होता है। तो यहाँ पर टेबल का नाम क्या होना चाहिए वो आपको देना है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर टेबल का नाम देता हूँ स्टोर टी, स्टोर कर देता हूँ, या STORE स्टोर टी कर देता हूँ, यानी हम किसी शॉपिंग मॉल या दुकान की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आईडी आएगी, तो आईडी को देखिए ये सारे डेटा टाइप हैं इसके। देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे डेटा टाइप आपको नजर आते हैं, जैसा कि आपको 2019 या 21 में भी देखने को मिलता है, इस तरह के डेटा टाइप आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट आएगा तो यहां पे लिख देते हैं नेम, अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, अंडरस्कोर करके प्रोडक्ट कर दीजिएगा। तो ये प्रोडक्ट के नेम की लिस्ट आएगी और यहां पर जाकर के क्या करेंगे, लुकअप विजर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये लुकअप विजर्ड हो गया और यहां आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वॉन्ट पे टिक करके और आगे बढ़ेंगे। तो फिर यहां पर अब जो है कॉलम वन आ रहा है, तो अब यहां प्रोडक्ट का नेम आएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं कर देता हूं KEYBOARD कीबोर्ड हो गया। फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे MOUSE माउस हो गया। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, तो ये मॉनिटर कर दिया। तो ये प्रोडक्ट के नेम आ रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कर देते हैं वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के नेम है और इसके लिए मैं एक ड्रॉप डाउन भी क्रिएट कर रहा हूँ, देख सकते हैं ये ड्रॉप डाउन बनती हुई नजर आएगी आपको, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बनाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो स्प्रेडशीट है, यहाँ पर डेटाबेस की बात हो रही है। तो ये हो गया और ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की को ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें जब भी वैल्यू आएगी तो यूनिक वैल्यू ही आएगी। अब यहाँ पर ऑटो नंबर रखा है, आप चाहे तो इसे टेक्स्ट या शॉर्ट टेक्स्ट भी कर सकते हैं, तो ये शॉर्ट टेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पर अब प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, तो PRICE प्राइस लिख दिया हमने यहाँ। और प्राइस लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर कर देना इसे करेंसी, तो करेंसी डेटा टाइप यहाँ पे रख दिया हमने। और अब हमें क्या करना है, यहां पर क्वांटिटी की बात करनी है, तो ये हो गया क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को हमें डेसिमल रखना है, तो यहां से जाकर के नंबर और फिर ये लॉन्ग इंटीजर को बनाएंगे डबल, तो यहां पर डबल आ जाएगा और फिर टोटल। तो देखिए जरा यहां पर कितना ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए काम करना, क्योंकि यहीं पर आपको कैलकुलेट करने की सुविधा जैसे कि 2021 में मिलती है, यहां पर भी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो यहां पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, प्राइस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्वांटिटी के साथ। तो यहां पर प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय यहां पर क्वांटिटी करेंगे तो QTY, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग जो लिखे हैं बिल्कुल वही दीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग आपको सेम रखना है और यहां से ओके कर देना। अब ओके करने के बाद इस पे क्लिक करना है व्यू पे और इसको सेव कर लेना है। तो यहां पर ये इस तरीके का जो है आप देख सकते हैं इंटरफेस नजर आता है। अब यहां पर मान लीजिए हमने शॉर्ट टेक्स्ट रखा था, तो A01 कर सकते हैं प्रोडक्ट आईडी। अब यहां पर देखिए ये ड्रॉप डाउन बनता हुआ नजर आ रहा है इस तरीके से। तो अब कीबोर्ड है तो यहां आ गए और यहां कीबोर्ड की हमें प्राइस डालनी है। तो जैसे मान लीजिए कीबोर्ड की प्राइस है 300 रुपए, तो यहां 300 रुपए एक की प्राइस डाल दी हमने। और क्वांटिटी देखिए यहां पर 8 क्वांटिटी है, तो यहां पर टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, देख रहे हैं। ये फायदा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज करने का। यहां पर देखिए यहां पर आते हैं तो कीबोर्ड के अलावा कोई जैसे माउस है तो माउस ले लिया हमने, और मान लीजिए कि यहां पर माउस की प्राइस है 200 रुपए, तो ये 200 डाल दिया। और यहां पर जो है 20 माउस की बात हो रही है, तो यहां पर देखिए उसकी टोटल प्राइस अपने आप कैलकुलेट होती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से अगली प्रोडक्ट आईडी को हम 803 कर देते हैं और यहां पर आएगा क्या, इस बार मॉनिटर आएगा। तो मॉनिटर आने के बाद से यहां पर हम 6000 रुपए कर देते हैं मॉनिटर की प्राइस और यहां पर कर देते हैं 6, तो यहां पर देख सकते हैं टोटल प्राइस भी कैलकुलेट हो रही है। अब यहां पर A03 अगर दोबारा से कर देते हैं तो क्या होगा, तो प्राइमरी की का मतलब यहां पे समझ में आएगा आपको। यहां पे A03 किया कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां से कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं इसी नाम से, तो क्या ये पॉसिबल है, कीबोर्ड A01 भी है A03 भी, क्या ऐसा हो सकता है।
तो इसको चेक करते हैं एक बार। तो यहां पे आते हैं और यहां पर जो है इसकी प्राइस डालते हैं। तो इसकी प्राइस मान लीजिए 500 रुपए है और यहां पर आए तो यहां 5। अब जैसे ही आएंगे ना तो ये देखिए, ये आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगा, काम ही नहीं करने देगा, क्योंकि आपने प्राइमरी की वाले इंडेक्स में क्या डाल दिया है, डुप्लीकेट की डाल दिया। प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती, ये बात मेरी याद रखिएगा। डुप्लीकेट होने में फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है बट प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर जब तक आप हटाएंगे नहीं इसको, तब तक ये काम नहीं करेगा, ठीक है। देख सकते हैं अब ये आगे बढ़ने दे रहा है। फिर यहां पर A05 करते हैं और मान लीजिए कि A05 वाला ड्रॉप डाउन में तो आपने ऐड ही नहीं किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए वायरलेस कीबोर्ड है जरूर, लेकिन और कोई भी आइटम चाहिए तो यहां पे क्लिक करके आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे वो आइटम दे देंगे, जैसे यूएसबी दे देते हैं, यूएसबी, ठीक है। तो ये यूएसबी दे दिया और यहां पर ओके कर दिया। तो अभी देखेंगे तो इसमें यूएसबी भी इंक्लूड हो जाएगा और यूएसबी की प्राइस यहां पे 300 रुपए डाल देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे 7। तो देखिए यहां पर सारी चीजें बहुत ही आसानी के साथ कैलकुलेट होती हुई नजर आ रही है। यहां पर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दिखेगा, अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये शॉर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे ही क्लिक करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। और फिर यहां डिसेंडिंग भी दिया हुआ है तो डिसेंडिंग पे क्लिक करते ही डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो देख रहे हैं ये सारे डेटा टाइप्स वगैरह कितने प्रकार के डेटा टाइप इसमें दिए गए हैं, जस्ट लाइक आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 या 2019 या 16 भी बात करें तो लगभग उसी तरह का एनवायरनमेंट यहां आपको मिलता है, ठीक है उम्मीद। अब मान लीजिए यहां पर ईमेल आईडी भी ऐड करनी हो, ठीक है, या कस्टमर का नेम ही ऐड करना हुआ तो ईमेल ऐड करना है तो यहां पे आप सीधे सीधे लिख दीजिए ईमेल, ठीक है। और यहां पर आपको कौन सा डेटा टाइप चूज करना चाहिए वो सवाल बनता है, तो यहां पर आपको चूज करना चाहिए क्या, हाइपर लिंक डेटा टाइप। तो यहां पर देखिए ये एक डेटा टाइप मिल जाता है जो आपको काफी यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, हाइपर लिंक डेटा टाइप कर दिया हमने। और हाइपर लिंक डेटा टाइप देख सकते हैं किस तरीके से आ गया है और इसमें आपको नीचे कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। और यहां पर ओके कर देना यानी व्यू पे क्लिक कर देना, जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहां पर आपको क्या करना है, यस कर देना है और यस करते ही यहां पर ये इस तरीके से आ जाएगा। अब जब आ जाएगा तो यहां पर जो भी आप ईमेल आईडी डालेंगे, जैसे मैं यहां पर 123@gmail.com डालता हूं, देखिए यहां पर ये क्या बनेगा, हाइपर लिंक्ड का टाइम बन जाएगा। तो यहां पर देखिए 123@gmail.com लिखा हमने और लिख करके जैसे ही नीचे आते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ये हाइपर लिंक हो गया। यहां पर ले जाते ही कर्सर माउस का ले जाते ही यहां पर देखिए ये इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है, फिलहाल हमें रीडायरेक्ट होना नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखिए यहां पर कुछ और डालते हैं ईमेल आईडी और यहां पर @gmail.com करते हैं तो ये भी एक तरह से हाइपर लिंक भी हो जाएगा और फिर इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहां पर भी कर देते हैं @gmail.com, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बात 100% समझ में आई होगी कि कैसे ये हाइपरलिंक डेटा टाइप काम करता है और तमाम ये डेटा टाइप और ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 है ये कैसे काम करता है, ये आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल 2021 के जैसा है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।